आज यहाँ पे SDPI की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसका एक मकसद है कि ये जो बेवकूफ़ नुपुर शर्मा है, जिसे इतनी भी सोच नहीं है, समझ नहीं है कि किस शख्स के बारे में क्या बात की जाती है और किनके बारे में किस तरह से बात करना चाहिए, इतना भी उसको समझ नहीं है। और ऐसे लोगों को हमारी जो भारतीय जनता पार्टी, नहीं बोलूँगा मैं इसे, बर्बाद जनता पार्टी जो है, उन्होंने इसे स्पोक्स पर्सन बनाया है। जबकि इसकी इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे माइनॉरिटीज़ में जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है, इनका जो है दिल दुखा है, इनको नाराज़गी हुई है, इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है। तो इसका एक इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसका गिरा है। आप शेयर मार्केट की तरफ भी देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट गिरता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो भी पैसा जा रहा है आम आदमी के जेब से जा रहा है। तो इस वजह से मुस्लिम देशों ने क्या किया है, टोटली इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया है। इसके वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी क्रैश हो चुकी है। तो हम यही कहना चाहेंगे इस बर्बाद पार्टी जनता पार्टी को कि अगर तुम लोगों के हाथ से हुकूमत संभालने को नहीं होती है, तुम लोगों के अंदर इतना दम नहीं है कि आप हुकूमत को लेकर के सबको इंसाफ और सबको जो है एक सिक्योरिटी के साथ लेकर चले, तो अगर आपके हाथों से नहीं होता तो आप इस हुकूमत को छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, इसको चला लेगी। मगर ऐसे जो बेवकूफ़ इस सुअर की जो औलादे हैं, जो आपने पाल के रखी है सुअर के औलादे, इन औलादों को जो है आप अपने पीछे रखकर काम कीजिए। अगर सामने लाएंगे तो इसी तरह से हमारे देश का नाम बर्बाद होता जाएगा। हमारे देश को जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो इज़्ज़त मिलनी है, जो हम कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसा हो गया है कि थुका लेने के गुरु बन गए हम। हर जगह से हमें थूक रहे हैं, हमारी जो है इंसल्ट होती जा रही है। तो इसी एक स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रखते हुए ये बोलूँगा कि जो जिस तरीके की अभी जो ये लोग सियासत कर रहे हैं, ये सियासत कुछ भी नहीं, सिर्फ इंडिया को बर्बाद करने की सियासत है, आम आदमी को परेशान करने की सियासत है। और इसमें आम आदमी क्या है, पिसता जाएगा, आम आदमी के जेब से पैसा जाता जाएगा और आम आदमी ऐसे ही गरीब से गरीब होता जाएगा। जहाँ पर हमें देखना चाहिए, जिस तरह की हालत अभी इंडिया की है, उसमें हमें हमारी GDP को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें हमारे बिजनेसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि हिंदू मुस्लिम कर के ये जो एजेंडा इन्होंने फैलाया है। और इनकी जो औकात है, मैं आपको इनके औकात बताता हूँ। ये अपनी ज़िंदगी भर हमारे टुकड़ों पर ही पलते आए हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा कर देखिए कि जहाँ पर भी हमारे सल्तनतें हुआ करते थे, जहाँ पर भी हमारे सम्राट हुआ करते थे, या हमारे सम्राटों के पास नौकरी क्या करते थे, हमारे मुनीम हुआ करते थे या फिर हमारे अकाउंटेंट हुआ करते थे, उस वक्त भी हमारे टुकड़ों पर पलते थे। और आज एक ज़माना ऐसा आया है कि आज मुसलमान के नाम के टुकड़े के ऊपर इन्हें पलना पड़ रहा है। इनकी सियासत शुरू भी मुसलमान से होती है और इनकी सियासत ख़त्म भी मुसलमान से होती है। इसका मतलब क्या है? मुसलमान एक नाम जो है, एक बरकत वाला नाम है, जो पूरी दुनिया को जिसके ज़रिए से रिस्क दिया जा रहा है, वो हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जब इनकी ऐसी गुस्ताखी की गई है तो हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हर लेवल तक हम लेके जाएंगे, हम इसके ऊपर केसेस करेंगे। जब तक अरेस्ट नहीं होती, जब तक इसको सज़ा नहीं मिलती, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो यही मैं बस अपनी बात कहकर ख़त्म करना चाहूँगा। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आबिद खान। कोई मुसलमान, कोई इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और कर नहीं सकता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हो। हम अपने चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, ये कतई नामुमकिन बात है। हमारे सीनों पर खंजर चला, हम बर्दाश्त करेंगे। हमारी बस्ती उजड़ गई, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई उंगली उठाए,
कोई ज़बान दराजी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि हर इंसान को चाहिए कि वो लिटरेचर का मुताला करे, चाहे वो किसी भी मज़हब से क्यों ना हो। उसको चाहिए कि वो किताबें पढ़े और देखे कि अल्लाह ने सारी दुनिया को, सारी कायनात को बनाया किस लिए है। नबी की हदीस है, लौला कलमा खलकतुल अफलाक, अगर ऐ महबूब तुम्हें पैदा करना न होता, ना हम ज़मीन बनाते, ना आसमान बनाते, ना कायनात बनाते, ना दुनिया बनाते। अल्लाह ने सारी कायनात सिर्फ हमारे नबी की वजह से बनाई है। और अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी की ज़ात है, किसी का मकाम, किसी का मनसब, किसी की इज्जत है, तो सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारी गवर्नमेंट ये एक्शन लेकर के कि वो एक नालायक खातून, वो एक कमीना इंसान, जो कोई प्रवक्ता है, कोई बड़ा है, किसी सियासी लीडर का जिम्मेदार है, मुसलमानों की तरफ से सारी दुनिया में एहतजाज होने के बाद आज उनको उनके पोस्ट से बरी कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। एक खुशी की लहर मुसलमानों में आ रही है, लेकिन एक खुशी नहीं है। इनको क्यों निकाला गया? इसलिए नहीं निकाला गया कि वो हमारे नबी की तौहीन किए हैं। इस बुनियाद पर उनको नहीं निकाला गया, इस बुनियाद पर निकाला गया कि हमारे मुल्क का बिजनेस दूसरे मुल्क में बायकॉट किया गया। हमारे हिंदुस्तान की चीज़ों को बायकॉट करने की वजह से, सिर्फ बिजनेस की वजह से उनको जो है अपनी सियासी पार्टी से उनको मुस्तरद किया गया, निकाला गया है। ये सोच करके नहीं कि इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। हमारी गवर्नमेंट को अपने बिजनेस, अपने इकोनॉमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट किसी की जान की परवाह नहीं करती। ये मॉब लिंचिंग हो या दूसरे मज़हबों के जिम्मेदार बड़े बड़े गुरु देवताओं के नाम लेकर के उन पर प्रेशर करना, तुम ये नाम बोलो वरना तुम्हें मारेंगे, बूढ़े लोगों की दाढ़ियाँ पकड़ करके मार रहे हैं, औरतों के बुरके खींच करके मार रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं, ये किस बुनियाद पे हो रहे हैं? हमारी गवर्नमेंट को अपने बिजनेस की फिक्र है, मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले सिटीजन की और मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले किसी शहरी की इनको फिक्र नहीं है। बिजनेस से ज़्यादा हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान की जान की फिक्र उनको करनी चाहिए। लॉ बने हुए हैं, अब इस तरफ कोर्ट के उस तरफ जाएंगे तो जानवरों का आपको हॉस्पिटल मिलेगा। हमारे घर में पर्शियन बिल्ली है, कैट है, हमारे घर में 2-4 लाख रुपए के कुत्ते हैं, तो उनको ले जा करके मेडिसिन दे करके उनकी तंदुरुस्ती का ख्याल लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जानवरों के अस्पताल तो बनाए लेकिन इंसानों की जान का ख्याल नहीं कर रही है। और हमारी ये मांग है कि तुम उनको अपनी पार्टी से तो निकाल दिए हैं, एक मुसलमान को खुश करने का ये मकसद नहीं है, तुम उन्हें अरेस्ट करो, तुम उन्हें अरेस्ट करो। किसी मज़हब के ख़िलाफ़ जो बाबा वो बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे संविधान में क्या है? वो एक्ट्स उनको लगा करके पूरी सज़ा उनको दो, वरना फिर यही होगा, वो कुछ साल, कुछ दिन, कुछ महीने अपने अपने तौर पर रहेंगे, फिर आ करके नफ़रत के बीज बोएंगे, नफ़रत के बीज बोएंगे। मेरे घर के सामने एक हिंदू रहता है, मेरे घर के सामने एक मुसलमान रहता है, हम आपस में बहुत अच्छे हैं। इससे पहले एक साल का जो मसला चला और दिल्ली की जहांगीरपुरी से लेकर के सारे दुनिया हिंदुस्तान में हिजाब का मसला लेकर के, मस्जिद का मसला लेकर के 1991 के एक्ट के पामाली करते हुए, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम को। अरे लड़ाने वाले, लड़ने वाले क्या कर रहे हैं? जिनको पैसे दिए जाते हैं वो आ करके हमारे खिलाफ बोलते हैं, और उन्हीं के घर के अंदर कोई मैयत हो गई कोविड के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। हमने देखा है, बाप मर गया तो बेटा नहीं आया, बाप मर गया तो हिंदू का बाप मर गया, गैर मुस्लिम का बाप मर गया, उसका बेटा उसकी मैयत को नहीं उठाया। हमने उठाया, हमारे नौजवानों ने उठाया, उनको ले जा करके उनका क्रियाकर्म किए। ये इंसानियत तुमको नजर नहीं आती? हमने आज तक कोई बात आपके सामने नहीं की। हमारे शहर बेलगाम में हम जिस इलाके में रहते हैं, मेरा लिबास, मेरी दोपी, मेरी सारी चीज़ें देख करके
मुझे कोई हिंदू आज तक नफरत की नजर से नहीं देखा। हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी गाड़ी आते ही वो जगह छोड़ देते हैं, वो हमें मुस्कुरा करके देखते हैं। उनके दिलों में नफरत नहीं है, नफरत फैलाने वाले सियासी लीडरान हैं। इन सियासी लीडरों को अपनी पार्टी और अपना स्टेटस चाहिए, इसलिए हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने हिंदुओं के लोग ऐसे हैं जो नमाज के वक्त अपने बच्चों को हमारी मस्जिदों के सामने लाते हैं, तुम इसे कुछ पढ़ करके फूको, हमारे फूक में इतना दम है, हमारे फूक में इतना दम है। वो फूक क्या है? वो कुरान की आयतें हैं, वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के जिक्र में इतनी बरकत है कि अल्लाह ये नहीं देखता कि ये मुझे मानने वाला है कि नहीं मानने वाला, अल्लाह ये देखता है कि ये मेरा कलाम पढ़ा गया है, अगर वो हिंदू है तो भी उसको शिफा मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हिंदू को भी उसे जो है वो सारी चीज़ें मिलेगी। लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं SDPI के तहत, और जितने लोग यहाँ पर सब खड़े हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, उन दोनों कमीनों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और इंडियन लॉ के हिसाब से जो कुछ भी उन पर कार्रवाई होती है वो सख्त से सख्त उनकी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और किसी मुसलमान के दिल को उनके नबी की ज़ात से ज़ात को छेड़ करके तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश मत करो।